इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलंबी कलाम मोड़ पर और आए दिन यहाँ पर स्नैचिंग व लूटपाट की वारदातों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी एक घटना की जो कि 7 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे अंजाम दी गई थी। रिक्शा में बैठी एक युवती का मोबाइल फ़ोन यहाँ से छीन लिया जाता है, लेकिन उसी दौरान कुछ बाइक सवार आरोपियों का पीछा करते हैं, लेकिन आरोपी उनकी पहुँच से बाहर निकल जाते हैं। वहीं ई रिक्शा चालकों ने भी आरोपियों का पीछा किया। आरोपी पल्सर बाइक पर सवार थे जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। जहां दिल्ली पुलिस लगातार अपनी पेट्रोलिंग का दावा करती है, वहां इस इलाके में वो पेट्रोलिंग के दावे आकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर पुलिस बूथ बना हुआ है और पुलिस बूथ पर ताला लगा हुआ है। लेकिन कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक ऑनलाइन स्नैचिंग की FIR दर्ज की जाती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से महज एक खाना पूर्ति का विषय है वो, और जिसके चलते अब पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी इस मामले को लेकर बात की गई है, बात में सिर्फ इतना बताया गया कि मोबाइल फ़ोन को ट्रैकिंग पर लगाया गया है, लेकिन वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि CCTV फुटेज अगर जो खंगाली जाती कहीं ना कहीं आरोपी उसमें नज़र आते और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता। लेकिन आए दिन इस इलाके में हो रही लूटपाट व स्नैचिंग की वारदातें काफ़ी बढ़ रही हैं। दिखा दें आपको, चलता हुआ रोड है और इस सड़क पर अक्सर जो बाइक सवार हैं वो राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आरोपियों ने यहाँ से मोबाइल फ़ोन छीना और यहाँ से भोरगढ़ की तरफ रवाना हो गए, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया और आरोपी पुरेनी के अंदर जाकर लापता हो जाते हैं। बहरहाल हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से आरोपी होकर निकले हैं। जाकर हुसैन जी, किस तरह की वारदातें होती हैं यहाँ पे? लूटमार होती है यहाँ से लेकर नाले से लेकर और तुम्हारा अलीपुर नाले तक। अच्छा, यहाँ कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी रिक्शे वाला, मतलब यहाँ लूटमार ज़्यादा होती है, या पुलिया पे भी ज़्यादा होती है। इस पर पुलिस बूथ बनाया गया है, यहाँ पर पुलिस वाले नहीं रहते? पुलिस वाले यार कभी कभार रात को एक आध रहता है, तो दिन 9 बजे से बाद में ही रहते हैं, उससे पहले कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी। अब दिन में जो लूटपाट होती है उसके लिए क्या करते हैं फिर? दिन में तो अभी तो मैंने वारदात देखी नहीं है, दिन में तो नहीं होती है, शाम को 6-7 बजे के बाद। अच्छा, वारदातें होती हैं वैसे? हाँ। तो पुलिस वाले नहीं रहते हैं यहाँ? बूथ बनाया हुआ है यहाँ? बूथ बना हुआ है, पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? अच्छा, अगर कभी आ गया कोई सर्विस में तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जैसे लूटपाट हो गई, कुछ कार्रवाई होती है उस पर? कोई कार्रवाई नहीं है जी। नाम बता दीजिए। रामकिशन। रामकिशन जी, किस तरह की वारदातें होती हैं यहाँ पे? लूटपाट होती है, यही होता है जी सर। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई करती है उसमें? कोई कार्रवाई नहीं करती। बूथ बना हुआ है पुलिस का? बूथ बना हुआ है, कोई पुलिस वाले नहीं रहते। कोई पुलिस नहीं रहती जी। अच्छा, कोलंबी मोड़ से स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद इसी सड़क से कुरेनी की तरफ रवाना होते हैं। इस सड़क पर करीब दर्जन भर से अधिक CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक भी CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश नहीं की। अगर जो दिल्ली पुलिस समय रहते यहाँ के CCTV फुटेज को खंगाल लेती तो कहीं ना कहीं आरोपियों की छवि उसमें कैद हो जाती, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल साफ देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में लगातार लूटपाट व स्नैचिंग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद जिस वक्त आरोपी कुरेनी के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पर नरेला थाना पुलिस के 2 कर्मचारी आए और उन्होंने CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपियों की छवि उस CCTV फुटेज में नहीं आई। कैमरे की जद में आने से पहले ही आरोपियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने कुरेनी का रुख किया और जिसकी जानकारी नरेला थाना पुलिस को दी गई। वहीं नरेला थाना पुलिस के 2 कर्मचारी सूचना के बाद इस इलाके में आते और यहाँ पर लगे CCTV फुटेज को खंगालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोपियों की छवि CCTV फुटेज में नहीं आई। इससे पहले भी 2 गलियाँ नरेला की तरफ रुख करती हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि आरोपी शायद
उन गलियों का रुख करके वहाँ से यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला दोनों थानों के बीच की कड़ी बनकर रह गया। FIR तो NIA थाने ने दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी नरेला के कुरेनी इलाके में आकर घुस गए। इस मामले का दिलासा देते हुए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को एक ढुलमुल रूप दे रही है और कह रही है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है, लेकिन इस इलाके में लूटपाट और स्नैचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती हैं और इस दौरान कई बार व्यापारियों के साथ भी इस इलाके में गन पॉइंट पर लूट हो जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस खाली एक दावा करती है कि पूरा मामला छानबीन में लगा हुआ है, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपके साथ बने रहेंगे कुछ और ऐसी खबरों के साथ, क्योंकि इस इलाके में लगातार हो रही हैं वारदातें। दिल्ली से असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।